आपने कभी ना कभी दुकान पे जाके कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो जरूर खरीदी होगी। वहाँ आपने नोटिस किया होगा कि वो बोतल कभी भी पूरी भरी हुई नहीं होती है, ऊपर का कुछ पार्ट खाली रखा जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली बोतल के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जब आप उसके ढक्कन को खोलते हो तो वहाँ से गैस बाहर निकलती है, और अगर आप उस बोतल को शेक करते हो तो उसके अंदर एक चेन रिएक्शन होती है जिससे प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बोतल के ऊपर का खाली पार्ट इसी के लिए यूज होता है। अगर वो वहाँ पे नहीं होगा तो बोतल के शेक होने पर प्रेशर बढ़ने से बोतल फट भी सकती है, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते टाइम कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। इन सब से बचने के लिए कंपनीज ऊपर का पार्ट थोड़ा सा खाली छोड़ देती हैं, ताकि जब बोतल हिले और रिएक्शन हो तो वो प्रेशर ऊपर की खाली जगह में जा सके और कंप्रेस हो सके। क्या आपको ड्रिंक बोतल्स के बारे में ये फैक्ट पहले से पता था? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।